हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल मस्ट वॉच टिप्स आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेंट ब्रश स्ट्रोक एनीमेशन सो वो हम एनीमेशन कैसे वर्क करता है वो देखते हैं सो so, ये ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन जिसमें हमें ब्रश स्ट्रोक्स की तरह एक-एक स्ट्रिप्स लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट जाते हुए दिख रहे हैं जिसमें हमारा बैकग्राउंड पीछे जो भी हमने बैकग्राउंड सेट किया है वो विजिबल है सो so, ये ब्यूटीफुल सा प्रेजेंटेशन हम कैसे बनाएंगे वो इस वीडियो में हम देखते हैं सो so, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेंगे सो so, अब ये जो टिक बॉक्स है उसे हम डिलीट कर देते हैं एंड सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा फॉर्मेट बैकग्राउंड सो so, बैकग्राउंड में हम पिक्चर एंड टेक्सचर ऐड करेंगे एंड उसमें इंसर्ट एंड मेरे डिवाइस में मैंने एक इमेज डाउनलोड किया है सो so, वो इमेज को मैं बैकग्राउंड सेट कर रही हूँ सो so, यहाँ पर मैंने एक इमेज ऐड कर दिया है अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हम एक रेक्टेंगल ऐड करें सो so, शेप्स एंड रेक्टेंगल और वो रेक्टेंगल हमारी स्लाइड के साइज का होना चाहिए सो so, ये हमने रेक्टेंगल हम रखेंगे शेप आउटलाइन हमारा होगा नो आउटलाइन सो अब हमने बैकग्राउंड एंड रेक्टेंगल ऐड कर दिया है अब हमें ब्रश स्ट्रोक्स ऐड करना है ब्रश स्ट्रोक्स हमारे जो भी एड करेंगे हम वो हम हमेशा एस फॉर्मेट से एड करेंगे सो वो एस वी जी फॉर्मेट से हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे ब्रश स्ट्रोक्स सो मैं आपको लिंक बता देती दे हम ब्रश स्ट्रोक्स ओनली जी एफ एक्स डॉट कॉम वाली वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी सो so, यहाँ पे आपको एस वी जी फॉर्मेट में एंड पी एन जी फॉर्मेट में ब्रश स्ट्रोक्स देखने मिलेंगे सो so, आप इसे अपने हिसाब से जो भी आपको ब्रश स्ट्रोक चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाई क्लिकिंग ऑन दिस सो अभी हमने एक ब्रश स्ट्रोक डाउनलोड किया है उसे हम ऐड करते हैं

इसे मैं थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके अपने हिसाब से जैसे मुझे सेट करना है वैसे मैं सेट कर ले रही हूँ सो so, ऐसे मैंने एक सेट कर लिए हैं एंड वैसे ही मैं मल्टीपल और भी सेट कर सकती हूँ सो so, अभी हमने कुछ ब्रश स्ट्रोक्स ऐड कर दिए हैं अब हम ये ब्रश स्ट्रोक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं एक साथ में सारे और यहाँ पे फॉर्मेट ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिल, में मुझे स्लाइड का फिल करना है तो आप देख सकते हैं कि स्लाइड के बैकग्राउंड में जो भी हमने इमेज रखा था वो विजिबल है एंड ऐसा नहीं है कि अभी हमने ब्रश स्ट्रोक्स को यहाँ पर रखा है ये इस पोजीशन में रखा है तो इतना बैकग्राउंड ही विजिबल होगा अगर मैं ये स्ट्रोक्स को मूव करती हूँ सेंटर में तो सेंटर का बैकग्राउंड विजिबल होगा अगर मैं इससे और राइट right साइड पे मूव करती हूँ तो इस हिसाब से जिधर भी आप मूव करोगे वो पर्टिकुलर पार्ट part का बैकग्राउंड हमें विजिबल होगा सो अभी के लिए हमने ये रखा हुआ है अब हमने ब्रश स्ट्रोक्स ऐड कर दिया बैकग्राउंड ऐड कर दिया अब मेन स्टेप जो आता है वो है कि हमें एनिमेशन ऐड कर सो so, हम सारे ब्रश स्ट्रोक्स को पहले सिलेक्ट कर लेंगे एंड एनिमेशन एंड वाइप सो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने एनिमेशन सिलेक्ट किया ये वाइप व्हाइप वाला एनिमेशन आया अब हम फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर कर देखते हैं ऑन क्लिक है तो आफ्टर प्रीवियस करेंगे एंड सेम चीज हम बाकी सबको भी कर देंगे सो so, फिर से हम सारे एनिमेशन या सारे ब्र स्ट्रोक सेलेक्ट करके आफ्टर प्रीवियस कर सो हमारा जो भी ब्रश स्ट्रोक्स है वो एक एक करके एक के बाद एक एक के बाद एक मूव करेगा अब सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अगर हम इसको प्रेजेंटेशन मोड पे देखें तो सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बट आई वॉन्ट कि कुछ अलग डायरेक्शन में भी मूव करें सो so, मैं इसमें इफेक्ट ऐड करती हूँ फ्रॉम राइट एंड अल्टरनेट में मैं ये इफेक्ट ऐड करूँगी जैसे कि वो फील आए ब्रश स्ट्रोक्स का

ऑन क्लिक नहीं रखा है आफ्टर प्रीवियस रखा है जिससे कि एक के बाद एक स्ट्रोक ऑटोमेटिकली हो जाए अगर आप चाहते हैं कि ड्यूरेशन कम करना है या ज्यादा करना है तो आप अपने अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं अगर अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं है, हमें बैकग्राउंड का इमेज नहीं अच्छा लग रहा है तो आप एक कंट्रोल ए कर इस सब को साइड में शिफ्ट कर सकते हैं एंड राइट क्लिक ऑन फॉर्मेट बैकग्राउंड और इंसर्ट में हम दूसरा इमेज इंसर्ट कर तो so, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पिक्चर बैकग्राउंड चेंज कर दिया है और फिर से हम सारे को सिलेक्ट कर कर ऐसे मूव कर देंगे सो so, ये हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया एंड आप अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली ब्रश स्ट्रोक्स को भी मूव कर सकते हैं कि अगर मेरे बैकग्राउंड में ब्रश स्ट्रोक्स में इतना कवर नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा ब्रश स्ट्रोक्स को शिफ्ट कर दूंगी जैसे कि मेरा बैकग्राउंड ज्यादा क्लियरली विजिबल हो सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपने इसमें से कुछ सीखा हो और इस तरह के और प्रजेंटेशन के टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेलाइकन प्रेस कर दिए जिससे कि हमारे लेटेस्ट एंड न्यू वीडियोज़ का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए